और चलिए अब रुक करेंगे खबर तहसील रिकॉर्ड, नजर डालेंगे सबसे पहले जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति परिसर में 3 दिवसीय दिव्यांगजन अंग वितरण शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम चरण में जयपुर जिले के 93 दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ एवं पैर लगाए जाएंगे। राजस्थान सरकार की ओर से सीएसआर के अंतर्गत संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने किया आयोजन। अलवर के विजयनगर में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। चोर घर से 4 तोला सोना, 100 ग्राम चांदी सहित 70,000 रुपए लेकर हुए फरार। मकान मालिक खाटू श्याम जी गया हुआ था। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश कर रही है। अलवर के पलखड़ी गांव में युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मृतक और उसके पिता ने आपसी कहासुनी हो गई थी और उसके बाद युवक का इशूब ने गुस्से में आकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। अलवर में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने विकास पथ में पहले रेकी की और उसके बाद घर से 70,000 रुपए और करीब 7 लाख के आभूषण लेकर फरार हो गए। शातिर चोरों ने परिवारजन के कमरे के बाहर से कुंडी लगाकर वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। अलवर के फतेहपुर गांव में युवती की फसल में कीटनाशक दवा छिड़कने के दौरान मौत हो गई है। मृतका काजल फतेहपुर की रहने वाली थी। युवती अपनी मां के साथ फसल में दवा का छिड़काव कर रही थी। छिड़काव के दौरान कीटनाशक युवती के मुंह में चली गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अलवर में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ग्रामीणों ने देर रात विद्युत वितरण निगम अधिशासी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने लाइट चालू की। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत सांभर के काजपुरा और बैसलाना गांव में विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ग्रामीणों ने एक दिन में 1,000 से अधिक पौधे लगाए और उनके सुरक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांभर में अभिभाषक समिति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अभिभाषक समिति सभागार में विभिन्न सुविधाओं का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी भ्रमर शाहू का सम्मान और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी बार सदस्य और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। सिकराय विधायक विक्रम मंशीवाल ने सैनी समाज के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रघुनाथ सैनी का किया स्वागत। जिलाध्यक्ष का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत हुआ। इस दौरान बड़ी तादाद में सैनी समाज के लोग मौजूद रहे। दूसरा के निहालपुरा में 132 केवी बिजली स्टेशन पर धरना दिया गया। बिजली की अघोषित कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 15 दिवस में बिजली कटौती में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। अलवर के राजगढ़ कस्बे में अवधूत दत्त आश्रम पर चल रही श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन बाल लीला माखन चोरी राजपूजन की कथा सुनाई गई। कथावाचक स्वामी अमन भारती महाराज ने बताया कि कथा के 5वें दिन भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रसंग सुनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अलवर के राजगढ़ में राशन विक्रेता संघ ने 9 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राशन विक्रेता संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र चंद मीणा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। राशन डीलरों ने मानदेय में बढ़ोतरी कर 30,000 करने सहित विभिन्न मांगों के समाधान की मांग की। और चलिए अब रुख करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। चूरू के सुजानगढ़ शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षदों और ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी ने धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों ने बदहाल सफाई व्यवस्था और ऑटो टीपर में धांधली के लगाए आरोप। साथ ही मुख्यमंत्री से नगर परिषद की ओर से जारी किए गए पट्टों की जांच करवाने की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ में छापा रोड पर ट्रक की चपेट में आई बाइक, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। घायलों को गंभीर अवस्था में रेफर किया गया। वहीं लोगों ने ट्रक चालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे थानाधिकारी ने समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और यातायात को सुचारू भी करवाया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में नगर पालिका प्रशासन ने हटाया आम रास्ते से अतिक्रमण और लोगों के आगमन को शुरू करवाया, जिससे वार्ड नंबर 18 और 19 के लोग पिछले लंबे समय से परेशान थे। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर शेखावाटी यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। कैंपस में वीसी गेट के ताला जुड़कर किया प्रदर्शन। इस दौरान वीसी कैंपस का गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पुलिस जाब्ते ने छात्रों को अंदर नहीं घुसने दिया। और अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलौदी की पुलिस ने डोडा पोस्त और अफीम के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने जिला के टॉप 10 वांछित आरोपी ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 5,000 का इनाम घोषित है। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ।
जैसलमेर के नाचना में मौसम का बदला मिजाज, दिनभर उमस के बाद शाम को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, बारिश से सड़कों पर हुआ जलभराव, वहीं लोगों को भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत। जोधपुर में पुलिस और कृषि विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई, एकांत चौराहे के पास गोदाम पर छापा मारकर नकली खाद के सैकड़ों कट्टे किए बरामद, कृषि विभाग ने नमूने लिए और गोदाम को किया सीज। जोधपुर की बावड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया, पूर्व छात्र शिक्षक के बीच स्कूल में कहासुनी से नाराज छात्रों ने शिक्षक और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर गेट पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया, ग्रामीणों और शिक्षकों के समझाइश करने पर छात्रों ने ताले को खोला। जैसलमेर में मानसून की पहली बारिश ने दस्तक दी है, मोहनगढ़, रामगढ़ और फतेहगढ़ इलाके में बारिश हुई, बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना जिससे लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, वहीं बारिश के बाद से किसानों के चेहरे खिले। फलौदी में राशन डीलर यूनियन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में राशन डीलरों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, राशन डीलरों के मानदेय को 30,000 रुपए प्रतिमाह देने की मांग की, मांग पूरी नहीं होने पर 1 अगस्त को राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। फलौदी के जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की, जनसुनवाई में आमजन ने कलेक्टर को समस्याओं से अवगत करवाया, कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के जरूरी निर्देश भी प्रदान किए। जोधपुर के नांदिया कला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों ने पौधे लगाए, विद्यार्थियों को पौधों का संरक्षक नियुक्त कर देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। जैसलमेर के बड़ियाणा में करंट लगने से युवक की मौत हो गई, बिना सूचना दिए बिजली डीपी की लाइन ठीक करने छोड़ा था युवक, सूचना पर बड़ियाणा थाना अधिकारी और सहायक अभियंता मोहनलाल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया गया। पशु चिकित्सालय बंद होने से पशुपालकों की बड़ी परेशानी, चिकित्सक और कर्मियों की लापरवाही के कारण बंद पड़ा मिला पशु चिकित्सालय, इससे पशुपालकों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। और अब रुक करेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों का। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट और फर्जी दस्तावेज से सरकारी नौकरी हथियाने को लेकर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग गंभीर होते नजर आ रहे हैं। बालिकी देसूरी शिक्षा विभाग के उपकरण क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में शिक्षा विभाग में लगे व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, सरकारी कर्मचारी को मूल दस्तावेजों की 2 दिन से जाँच की जा रही है। और अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर कानाराम ने जनसुनवाई की, कोला गांव निवासी देवीलाल ने अपनी पीड़ा बताते हुए जनसुनवाई को खानापूर्ति बताया, पीड़िता ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, अतिक्रमण के कारण हर बार बारिश में मकान डूब जाता है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई हुई, कलेक्टर लोकबंधु ने मौके पर ही बड़ी संख्या में परिवादियों के प्रकरण का निस्तारण किया, जिला स्तरीय जनसुनवाई में उपखंड स्तर के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। श्रीगंगानगर जिले के राशन डीलर्स ने मासिक मानदेय 30,000 करने, बकाए कमीशन के तुरंत भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, राशन डीलर्स ने कहा कि पिछले 5 से 6 महीनों से कमीशन बकाया चल रहा है जिससे राशन डीलर्स को आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। श्रीगंगानगर के रक्तेवाला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर शिक्षक के खिलाफ ग्रामीणों का धरना 2रे दिन भी जारी है, छात्रा से गलत हरकत करने पर शिक्षक पर कार्रवाई की मांग, सरकारी स्कूल के मुख्य गेट पर लगाया धरना, कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोश, ग्रामीणों ने तालाबंदी की दी चेतावनी। नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों। डिडवारा में नहरी परियोजना के 600 mm की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, मंडूकरा रताओ हाईवे निर्माण के दौरान मिट्टी हटाए जाने के कारण प्रेशर से टूटी पाइपलाइन लाइन, टूटने से आगामी 2 दिन तक 19 उच्च जलाशय और गांव की पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी। ब्यावर के मोहम्मद अली मेमोरियल स्कूल में जिला शारीरिक शिक्षक की संगोष्ठी का आयोजन किया गया, समारोह के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया रहे, इस मौके पर सभापति कनौजिया ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को तराशने में शारीरिक शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। ब्यावर में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई, जनसुनवाई में आमजन की परिवेदनाओं को सुना गया, जनसुनवाई में अतिक्रमण, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बिजली सहित 80 से ज्यादा परिवेदनाएं प्राप्त हुई, कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारी को समस्या का त्वरित निवारण करने के निर्देश प्रदान किए। ब्यावर में विप्र सेना स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय समारोह का आयोजन हुआ जिसके तहत हनुमान मंदिर परिसर में देश में शांति, सद्भावना और समाज के विकास के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया, यज्ञ में नारायण भगवान को आहुतियां देकर देश और समाज के विकास, शांति, सद्भावना की मनोकामना की गई।
ब्यावर में कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर साइकिल रैली निकाली गई। रैली कारगिल युद्ध के नायकों की वीरता और बलिदान को याद करने के लिए निकाली गई। रैली का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वहीं रैली में शामिल सैनिकों का माला साफा पहनाकर सम्मान किया गया। गिडवाना जिले में वर्तमान में खरीफ फसलों बाजरा ग्वार मूंग मोठ की बुआई हो चुकी है। ऐसे में किसानों को कातरा रोग के प्रकोप से जागरूक किया गया। कृषि विभाग के अधिकारी गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं ताकि फसलों को ज्यादा नुकसान न हो। लाडनू की पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2021 में 3 आरोपियों ने जयपुर में 500 रुपए का फर्जी तरीके से मुखिया तारमा बनाकर खेत को बेचान नामा कर दिया था और इस मामले में पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार पहले ही कर चुकी है। ब्यावर में मिशन शांति कार्यक्रम में बालिका विद्यालय में विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिटी थानाधिकारी नाहर सिंह ने मुख्य अतिथि रहे। अधिकारियों ने और थानाधिकारी ने बालिकाओं को साइबर क्राइम के साथ साथ पॉक्सो एक्ट की भी जानकारी दी। विरता में जनता प्रधान संदीप चौधरी ने शिकायत की, जिसके बाद जिला परिषद की प्रशासन और स्थापना स्थायी समिति के लिए आक्षण देखने को मिला और बैठक में लिए गए प्रस्तावों पर रोक लगा दी गई है। संदीप चौधरी ने आरोप लगाया है कि प्रधान की अनुमति के बिना ही बैठक बुलाकर करोड़ के प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। नागौर में यूज्ड कार डीलर एसोसिएशन ने नागौर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर यूज्ड कार पर टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध किया। बता दें कि राज्य बजट में यूज्ड कारों पर टैक्स 12.5% को बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबर तहसील रिकॉर्ड, अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। बूंदी के केशवराय पाटन तहसील राशन डीलर संघ ने सौंपा ज्ञापन। संघ ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि राशन डीलरों को 30,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा और पिछले महीने का बकाया कमीशन भी दिया जाएगा। 6 महीनों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के गेहूं का भी कमीशन नहीं मिला है, जिससे राशन डीलरों का परिवार पालना पोषण भी दुर्लभ हो रहा है। बारे में जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की, जिसमें 65 परिवादियों ने समस्याओं से अवगत करवाया। कलेक्टर ने जल्द ही समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश भी प्रदान किए। बारा के जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान गर्मी के कारण परेशान हुए ग्रामीण। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर राज्य सेवा केंद्र में अंदर जिले के अधिकारियों के साथ बैठकर जनसुनवाई कर रहे थे, लेकिन बाहर के भवन में लगे हुए पंखे खराब और बंद पड़े हुए थे, जिससे ग्रामीण गर्मी से बेहाल नजर आए। बारे में फोर्स इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर के लवड़ा वन भूमि पर 2 पक्षों में हुए विवाद को लेकर सख्त नजर आए। कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को वन विभाग की जमीन पर पौधे लगाने के निर्देश दिए और दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के भी निर्देश दिए। बारा शहर के चौमुखा बाजार में प्राचीन गणेश मंदिर में गुंबद टूटने के मामले में जिला प्रशासन काफी सख्त है। FSL की टीम ने सदस्यों से मंदिर के आसपास ओचरे मंदिर के ऊपर टूटे हुए गुंबद के सैंपल लिए और कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज करवाई। बारा में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाई की अध्यक्षता में जिला स्थापना दिवस की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अध्यापक भर्ती 2022 के अंतर्गत 21 अध्यापकों को नियुक्त का अनुमोदन किया गया और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में नियुक्त 158 शिक्षकों का स्थायीकरण अनुमोदन किया। बारा में GCI के सदस्यों ने महिला व्यवसायों का सम्मान किया। GCI के अध्यक्ष स्वाति नागर ने महिला उद्यमियों को व्यवसायिक मेला लगाया, जिसकी मुख्य संचालिका श्वेता मित्तल रही। महिला उद्यमियों के सराहनीय प्रयास के प्रोत्साहन और महिला सशक्तिकरण को बल देने के लिए सम्मान किया गया। बारह में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन में संचालित सभी गतिविधियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक CMHO डॉक्टर संपत राज नागर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें CMHO ने संपूर्ण अभियान की सभी गतिविधियों में 100% प्रगति लाने के निर्देश दिए। किशनगंज में अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। युवाओं ने ग्रिड का घेराव कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि पिछले 2 से 3 दिनों में उमस बढ़ गई है, ऐसे में ऊपर से घंटों बिजली कटौती दोहरी मुसीबत दे रही है। झालावाड़ जिले के पड़ाव में स्थित राजकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रण कार्यालय शिक्षा विभाग कोटा के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, जिससे छात्रों के परीक्षा का आयोजन पड़ाव महाविद्यालय में ही करने की मांग की गई। झालावाड़ जिले के पड़ावा में जैन मुनि संत आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज की प्रेरणा में पद्मनाभ स्वामी परिसर में पौधारोपण किया गया और संकल्प किया गया। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री निर्मल शर्मा, मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल, पालिका वाइस चेयरमैन राजू माली ने किया पौधारोपण।
झालावाड़ जिले में इंद्रदेव मेहरबान डग चुम्हला उन्हेल पगारिया सहित आसपास के क्षेत्र में तेज बारिश हुई, जिसके चलते फसलों को जीवनदान मिला है। वहीं किसानों के चेहरे पर रौनक का लौट आई है, तो मौसम भी सुहाना होने से लोगों को उमस और तेज गर्मी से राहत मिली है। बूंदी के तालेड़ा में बारिश के बाद राजकीय सामुदायिक अस्पताल परिसर में पानी भर गया, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड मेंबर ने बताया है कि अस्पताल में दूसरी बार पानी भरा है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से नाले निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण पानी अस्पताल में भर जाता है। बूंदी के केशवराय पाटन में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने विद्युत विभाग पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 5 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो विभाग पर पड़ाव डालने की चेतावनी दी है। कोटा के कनवास थाना पुलिस ने 10 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। आरोपी प्रदीप सिंह हरियाणा के कैथल जिले का निवासी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ जिले के डग में सरपंच ईश्वर सिंह सिसोदिया की अनूठी पहल। सरपंच ने अपने जन्म दिवस पर कुंडिया और हरनावदा गांव में 5,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया। सरपंच ईश्वर सिंह ने बताया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबका दायित्व है। कोटा जिले के खातोली क्षेत्र में बदहाल विद्युत व्यवस्था से आक्रोशित लोगों ने पुलिस थाने पर पहुंचकर एएसआई को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और बदहाल विद्युत व्यवस्था में सुधार की मांग की है। 24 घंटे में विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा में ब्लैक कोबरा दिखाई देने पर हड़कंप मच गया। कोटा में तेजाजी के मंदिर के पास नाग फन फैलाकर बैठा हुआ था। जगपुरा में तेजाजी के मंदिर में प्रतिमा के सामने नाग इस तरह बैठा है कि मानो वो भक्तों को आशीर्वाद देने आया हो। और चलिए रुक करेंगे खबर तहसील रिकॉर्ड अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। भीलवाड़ा की कुराई थाना पुलिस ने बाइक का चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार किया चोर को। चोर के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चोर से कर रही है पूछताछ। राजसमंद में अंगदान देदान रक्तदान और नशा मुक्ति जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली रेडक्रॉस सोसाइटी जिला शाखा के नेतृत्व में निकाली गई। जागरूकता रैली बालकृष्ण स्टेडियम से शुरू होकर कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई। भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में कार को जलाने का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। कार को जलाने के उद्देश्य से लगाई थी आरोपी ने आग। होमगार्ड की सूझबूझ से बड़ा हादसा चल गया, जिससे अन्य कारें जलने से बच गई। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। संतोष अग्रवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद की ओर से ग्राम पंचायत मोही में संचालित मीरा विद्या प्रचार संस्थान वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। राजसमंद के कांकरोली में स्थित भूपाल नोबल्स स्नानकोत्तर कन्या महाविद्यालय में जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं में 60% से अधिक अंक अर्जित करने वाली सभी बालिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने शिरकत की। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ के अवलेश्वर गांव में रात्रि चौपाल लगाई गई है, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही त्वरित समाधान किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनय पाठक सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान कॉलेज विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 14,000 अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत मिलने वाली कॉलेज विद्यार्थियों को बजट के अभाव में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया और ये राशि करीब 22 करोड़ रुपए की है। और चलिए अब रुख करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। धौलपुर जिले की सोने का गुर्जा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 साल से फरार चल रहे नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ।